वेल गाइस, तो फाइनली NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर हो चुका है एक बहुत ही बड़ा डेब्यू, और ये डेब्यू और किसी का ना होके बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉब जिगलर का डेब्यू है। गाइज, NJPW के आज रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर इस समय NJPW का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप मैच चल रहा है, और गाइज यहां पर इस मैच के शुरू होने से पहले हमें अंदर अरीना के अंदर यहां पर कोई रेसलर एंटर होते हुए दिखाई देता है, और गाइज जब यहां पर कैमरा जूम आउट करते गए तो गाइज हमें यहां पर ये देखने को मिलता है कि टोक्यो डोम के अंदर डॉब जिगलर और उनके ब्रदर रायन नेबिट दोनों यहां पर सूट पहनकर एंटर हो रहे गए। और गाइज IWGP टैग टीम चैंपियनशिप मैच के शुरू होने से पहले डॉब जिगलर और रायन नेबिट दोनों यहां पर अरीना के अंदर एंटर होके रिंग साइड एरिया के ऊपर कमेंट्री टेबल के पास बैठ चुके गए, और गाइस पॉसिबली आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर IWGP टैग टीम चैंपियनशिप मैच के ओवर होने के बाद डॉब जिगलर और रायन नेबिट दोनों रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले गए। और गाइस अभी यहां पर GOD और बुशीमोन में से जो भी यहां पर NJPW का अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेगा पॉसिबली उसी को यहां पर डॉब जिगलर और रायन नेबिट चैलेंज करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डॉब जिगलर के शॉकिंग तरीके से टोक्यो डोम में अपीयर होने के बाद आखिर यहां पर डॉब जिगलर NJPW पर उनका पहला मैच कब रसल करते गए, और गाइस GOD और बुशीमोन में से कौन यहां पर टोक्यो डोम के अंदर अब से कुछ मिनटों के अंदर NJPW का अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनता है। वल गाइस एक बात तो पक्की है, डॉब जिगलर बहुत ही जल्द NJPW पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे, और गाइस टोक्यो डोम में जिगलर के अपीयर होने के बाद अब जिगलर यहां पर NJPW में राज करने वाले हैं।